देखो मेरा clean girl look ये बच्चे चिल्लाना बंद करेंगे तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगी एंड इसके अंजे तो अंजीज दिमाग ही नहीं चल रहा भाई मेरा हाई गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर न्यू आई एम मनीषा एंड आई होप आप सब अच्छे हो गए सो फॉर टू डेज़ वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ अपने ऑगस्ट फेवरेट्स सो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स कवर किए हैं इंक्लूडिंग हेयर केयर बॉडी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ इसके अंदर मैंने ले लिया ताकि आप लोगों के साथ मैं ईजिली शेयर कर सकूँ तो इसमें वो प्रोडक्ट्स भी हैं जो मैंने कंटिन्यूसली यूज़ किए थ्रू आउट द ईयर तो वो भी मैं इस वीडियो में ही ऐड कर रही हूँ ऑल्सो अगर इसमें आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लग रही है वो इसलिए क्योंकि मेरे को फोर डेज से फीवर है एंड कोल्ड का बहुत ज़्यादा था एंड इवन सरोजनी नगर वाली वीडियो भी मैं बनाने वाली थी वो ट्राई ऑन हॉल सो so, मेरी नेक्स्ट वीडियो पक्का वही ट्राई ऑन हॉल होने वाली है आई प्रॉमिस यू गाइस एंड अभी के लिए ऑगस्ट फेवरेट्स इंजॉय करो लेट्स गेट इट टू द वीडियो सो आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द मेकअप कैटेगरी फर्स्ट तो मेरा जो इंस्टेंट फेवरेट है इस मंथ का वो है बेनिफिट गोगो टिंट गाइज इससे ना मतलब मेरे को इतना ज़्यादा प्यार है इसके अलावा मैं कोई ब्लश या टिंट यूज़ ही नहीं करती हूँ दिस इज़ लाइक माई गो टू दिस स्टेज़ ऑन फॉर द होल डे मैंने अभी भी यही अप्लाई किया हुआ है अपने चीक्स पे इसकी लास्ट वाली भी मेरे पास रखी हुई है अभी तक क्योंकि वो थोड़ा बहुत रह जाता है ना तो मैंने सोचा कि कभी मेरे को इमरजेंसी में चाहिए होगा तो मैं इसमें से लगा लूँगी तो इसकी मैं थर्ड मॉडल पे हूँ आप देख सकते हो और ये इतना ज़्यादा अच्छा है वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस यू विल नॉट गेट रेड ऑफ इट आई स्वेयर यू विल कीप बाइंग इट अगैन एंड अगैन येस ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है बट अगर आप एक बार इन्वेस्ट करोगे ना तो आप खुद देखोगे एंड ऑल्सो अप्रॉक्सी वन ईयर तक तो चल जाता है इसको मैंने तब खरीदा था जब मैं एक शूट पे गई थी एंड दर वॉज दिस मेकअप आर्टिस्ट तो उन्होंने ना ये यूज़ किया so, मेरे ऊपर सो मेरे को ना एक अलग साइड सूटेड माई स्किन टोन सो वेल आई वॉज लाइक कौन सा ब्लश है ये मुझे प्लीज़ बताओ उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज़ द बेनिफिट गोवेंट एंड इमीडिएटली मैंने घर आके उसको ऑर्डर कर दिया था बिकॉज आई लाइक आई नीड इट इन माई लाइफ इट बिंग्स सो मच ग्लो ऑन माई फेस इट जस्ट लाइट ऑफ माई फेस लव इट लुक्स ऑन मी एंड आई विल रियली रिकमेंड फॉर यू गाइज टू टायर इट सो लेट्स स्टेप ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट अगैन मेकअप कैटेगरी से ही उठाएंगे विच इज करा नाओ आप देख सकते हो तो, कितनी बार मैंने इसको ये किया है वन टू फ्री सो दिस इज़ दे मेबली न्यूयॉर्क स्काई हाई लैश सेंसेशनल मस्कारा आई मीन इससे इतनी लंबी लैशज़ हो जाती है ना मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था वो चुक येस इट इज़ अराउंड एट हंड्रेड रुपीज़ बट इट इज़ सो गुड लाइक यू विल कीप री परचेजिंग इट और तो थो ये थोड़ा सा कम्पी हो जाता है सेकेंड कोट के बाद बट इट इज़ सो वर्थ इट लाइक आपके लैशेज ना ऑलरेडी फर्स्ट कोर्ट में ही इतने ज़्यादा लंबे लगेंगे कि आपको मन नहीं करेगा कि सेकेंड कोट इसको रिमूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मेकअप रिमूवर से थोड़ा सा टाइम लगेगा यू कैन यूज़ अ मेकअप रिमूविंग बाम वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है बट आई थिंक दिस इज अगेन अगर आपको लैशेज ऐसे लग रहे हैं कि आपने फॉल्स लैशेज लगाए हैं और एवरी टाइम मैं ये लगाती हूँ ना मुझे कोई ना कोई ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करता है कि आपने क्या लगाया है बिकॉज वो लिटरली ऐसा इफेक्ट देता है कि आपने फॉल्स लैशेज लगाए दैट इज़ लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन गेट आफ्टर यू पुट ऑन मस्कारा बिकॉज आप क्या चाहिए आपको यही चाहिए ना कि आपके लैशेज़ इतने बड़े लगे कि आपने फॉल्स लैशेज़ लगाए हैं और लोग बोले कि अरे वाह यार ऐसा लग रहा है तो उन्हें लगाए हैं इट इज़ जेट ब्लैक एंड थिक सो अगर आपके लैशेज बहुत शॉर्ट हैं एंड ज़्यादा विजिबल नहीं होते गो फॉर दिस मस्कारा और मैं इसके थर्ड परचेज पे हूँ और ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो मुझे एक और लेना है ओके कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट दिस इज़ द लैक मे ल्यूमी क्रीम मॉइस्चराइजर विद हाई आई एम श्योर आप लोगों ने इसका एड देखा होगा आई थिंक अनन्या पांडे आती है ऐड में तो जो ये क्रीम बोलती है दैट इट्स अ ल्यूमी क्रीम इट्स हाईलाइटर इट डज़ एग्जैक्टली दैट तो अपने बॉडी पे लगा लो फेस पे लगा लो एवरी थिंग सेट शाइनिंग यू शाइन लाइक अ डायमंड किसी भी आप इवेंट में जा रहे हो शादी फंक्शन अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो आपको ग्लो तो करना ही है तो ये लगा लो अगर किसी को भी लगता है कि उनके ग्लो नहीं है फेस पे एंड इवन बॉडी में भी आपको कई बार एक शाइन चाहिए होता है वो सटल शाइन यू नो जिस लुक सो क्लासी तो वो इसके थ्रू आप अचीव कर सकते हो इजीली सो इफ यू समन हु डज नॉट लाइक हाई लाइटर्स विथ पिंकिश अंडर टोन्स दैन डो नॉट गो फॉर दिस इफ यू समन हू हैज मोर ऑफ अ लाइटर स्किन टोन आप ये ले सकते हो बिकॉज क्या है ना पिंक अंडर टोन मोस्टली फेयर स्किन टोन्स में ज़्यादा अच्छी लगती है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है बट यू स्टिल वॉन्ट टू गो फॉर इट दट कम्प्लीटली योर चॉइस

आई नी पुट दिस ऑन एवरी सिंगल डे विदाउट एनी डाउट आप देख सकते हो एक मैंने खाली कर दिया मैं सेकेंड पे हूँ यह भी खत्म होने वाली है क्योंकि मैं रोज एवरी डे आई मीन इट रोज इस लिपस्टिक को लगाती हूँ जू स्लिप टेंट इन द शेड एम नाइनटी फ्रोजन न्यूड तो ये थोड़ा सा कूल cool टोन्ड है मतलब लिप्स पे थोड़ा लाइट लगता है तो अगर आप इसके ऊपर कोई और टिंट लगा लोगे हल्का सा वो एकदम ब्राइट और सुंदर हो जाएगा सो तो इट लुक्स वेरी नाइस एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि ये पूरे दिन लास्ट करती है मतलब आप कितना भी खा लो drop it stays on until you remove it with a makeup remover because i'm someone who loves eating i love food and i eat 24 7 not 24 7 but like every two hours so you obviously need a lipstick which is the long-lasting ho. and this is one of those it stays on more than 12 hours that i can guarantee so i think you should go for it so let's move on to the hair care category so the next product that i have is this heat protectant spray so this is the hot shot heat protection hair mist एंड इट हैज़ वाइटामिन बी फाइव एंड ग्रेप सीड ऑइल ये मैंने नायका से लिया था एंड आई हैव यूज दिस सो मेनी टाइम्स दिस इज माई सेकेंड बॉटल एंड ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ बिफोर आई यूज़ एनी ही डिवाइस और माई हेयर ऑल्सो इसकी अच्छी बात यह है कि जब आप स्प्रे करते हो ना तो इवनली स्प्रेड होता है कई स्प्रे बॉटल्स आते हैं एक ही जगह पर स्प्रे होता है बट दिस लाइक रियली डज अ ग्रेट जॉब इट मेक्स योर हेयर स्मेल सो गुड तो ऐसा तो नहीं लगता कि आप अपने बाल जुला के आए हो वेल आई थिंक इट रिटेल्स अराउंड फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड आप कुछ भी स्ट्रेटनर कर्लर यूज कर रहे हो उससे पहले ये स्प्रे कर लो एंड आई एम श्योर यू विल थैंक यूर सेल्फ लेटर बिकॉज अपने बालों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है इससे पहले कि आप गंजे हो जाओ अब हमने हीट प्रोटेक्टेंट की बात कर ही ली है तो अब अपने हीट डिवाइस पे भी आ जाते हैं दिस इज द हेयर स्ट्रेटनर दैट आई यूज दिस इज फ्रॉम फिलिप्स एंड लुक एट द कलर ओ माई गॉड पिंक इज माई फेवरेट तो यहाँ से स्ट्रेटनर आपका ओपन हो जाता है सो इट हैज़ टू हीट सेटिंग्स इन इट ये मीडियम हो जाता है फिर आप ऊपर कर लो इसको तो ये हाई हो जाता है तो अगेन दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट स्पेशली अगर आप ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा तो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो इट्स सच अ क्यूट स्मॉल साइज मतलब मेरे फेस से थोड़ा सा ही बड़ा है एकदम पिन स्ट्रेट बाल अगर आपको पसंद है वो भी मिल जाएंगे इससे सटल स्ट्रेट बाल चाहिए वो भी आप इससे कर सकते हो इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर सिंस आई गॉट दिस तो आई थिंक इट्स वर्किंग रियली रियली वेल टिल नाउ एंड ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम भी नहीं आई इसकी वायर में इससे पहले मैंने बहुत सारे स्ट्रेटनर्स यूज करके छोड़ दिए बिकॉज कुछ ना कुछ वायर में इशू आ जाता है बट इसके अंदर ना यहाँ पे एकदम ये कन्वीनियंट सा बना हुआ है तो इससे वायर मुड़ने का या टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऑल्सो फिलिप्स इज अ ग्रेट कंपनी वेन इट कम्स टू हीट प्रोडक्ट्स हीट डिवाइजेज कुछ भी बोल रही हूँ सो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो इफ यू लाइक टू स्ट्रेटन योर ऑन अ रेगुलर बेसिस सो जो अगला प्रोडक्ट है वो है बॉडी मिस्ट फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क दिस इज द वेरियंट जैपनीज चेरी ब्लॉसम दिस इज अ बॉडी मिस गॉड दिस इज लाइक सो गुड ये इतना अच्छा स्मेल करता है ना भाई इसकी ना स्मेल में डिफाइन भी नहीं कर पाऊंगी बट लेट मी ट्राई स्मेल लाइक अ गार्डन but like a cherry blossom garden if you can imagine what cherry blossom smells like this is what it smells like i'm not very good at explaining scents but agar aapko floral mists and floral smells pasand hai apne like upar definitely isme invest kar lo because i think it is so good aur you know bahut times main use kar rahi hu almost over hone wala hai ye bhi मेरे बहुत सारे products almost over ही होने वाले हैं ज़्यादा long lasting नहीं है आपको continuously apply करना पड़ेगा every 3 or 4 hours but also if you want to smell like flowers definitely go for this सो दिस इज दंडर आर्म रोल ऑन फ्राम केमिस्ट एट प्ले के बारे में ना मैंने बहुत ज्यादा सुना था तो इस मंथ मैंने ऑर्डर कर ही लिया एंड अगेन इट डज बॉट इट सेज ओडर कंट्रोल स्वेट कंट्रोल एंड मेक्स यू स्मेल लाइक पीच इन लेमनिश होल डे एंड अगर आप जिम वगैरह जाते हो दिस इज द बेस्ट परचेज यू कैन हैव बिकॉज इतना ज्यादा स्वेट आता है एंड अंडर आर्म में तो सबसे ज्यादा आता है आई थिंक तो आप इसे अप्लाई करो एंड यूल सो नाइज दिटरली होलिंग यू तो अगेन इसके अंदर ना फाइव परसेंट ए एच ए है एंड मेरे पास ना एक्वा फ्रेग्रेंस वाला है इट स्मेल्स रियली नाइस लाइक अ डिओड्रेंट बट इसमें एक पीच फ्लेवर भी आता है दैट माई ब्रदर हैज़ तो अगेन उसकी भी स्मेल बहुत अच्छी है तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉग फ्रेग्रेंस चाहिए तो यू कैन गो फॉर एक्वा वन एंड इफ यू वॉन्ट समथिंग सटल देन यू कैन गो फॉर द पीच वेरियंट तो मेरी आवाज़ बहुत, बहुत बैठ चुकी है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव बीन रियली सिक बट आई रियली वॉटेड टू शूट दिस वीडियो फॉर यू गाइज क्योंकि मेरा मेरे को खुद अनप्रोडक्टिव फील हो रहा था आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इवन वाइल सिटिंग एट होम अभी भी मैं मेडिसिन पे हूँ आई मीन वर्क इज वर्क एंड ऑल्सो आई लव डूइंग वट आई डू सो इट ऑल्सो सेज दैट इट प्रिवेंट्स अंडर डार्कनेस तो वो तो एज सच मुझे अभी शो नहीं हुआ है इफ़ आई डू सी सम ब्राइटनेस आई विल लेट यू नो आई थिंक एक मंथ में तो वो डार्कनेस वाला पार्ट मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि कुछ डिफरेंस आया है कि नहीं बट uh, मैंने रिव्यूज में पढ़ा था बहुत लोगों ने लिखा था कि दे हैव सीन अ मेजर चेंज एंड अंडर आर्म्स हैव सिंस दे स्टार्टेड यूजिंग दिस सो आई थिंक यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ आई एम श्योर इट्स कन हेल्प यू इन सम समय द अदर वे लास्ट प्रोडक्ट वेरी रैंडम प्रोडक्ट दैट आई हैव डीप नोज स्ट्रिप्स फ्रॉम मिनीसो ये मैंने ना रैंडमली पिक कर लिए थे बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स का इशू है अराउंड माई नोज तो जब मैंने इसे यूज़ किया मुझे बहुत ज़्यादा सही लगे ये बिकॉज वन गो में ना मेरी पूरी नोज एकदम क्लीन हो गई थी एंड वो जो एकदम सेटिस्फाइंग सा गंक वाला वो होता है ना जब आप रिमूव करते हो आई सो दैट आई सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड तो इसका बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट लगा ओवरऑल एंड इट इज ऑयल कंट्रोल एंड इज द लेवेंडर एक्सट्रैक्ट एड ऑल्सो स्मेल वेरी गुड तो इसमें ना टेन स्टिप्स आती है दिस इज़ फॉर वन सेवेंटी रुपीज़ आई थिंक थोड़ा एक्सपेंसिव है टेन स्ट्रिप्स के हिसाब से बट ना आप टू मंथ्स में एक भी से यूज़ करोगे ना इट वर्क वेरी नाइस क्योंकि एक बार में आपको रिजल्ट दिख जाएगा तो अगर आपको व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है गो फॉर दिस मिनिटों से आप कोई भी फ्लेवर उठा सकते हो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड या इट्स अ ग्रेट परचेज एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट सो गाइज दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो आई रियली होप यू इन्जॉयड एंड अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो एंड मेरे ऑगस्ट फेवरेट्स में से ऐसा कुछ भी है जो आप परचेज़ करोगे तो ज़रूर बताना मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो दैट इट इज़ इजी फॉर यू टू गेट दैम एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन बाय